हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी सीईटी 2021 एनटीए के मेरिट लिस्ट में जो है गड़बड़ी पाई गई है। एकेटीयू ने यूपी सीईटी की काउंसलिंग रोक दी है। पूरी खबर देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूपी सीईटी 2021 के मेरिट लिस्ट में जो है गड़बड़ी मिलने के बाद एकेटीयू ने अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है रोक दी है। एनटीए को सूचित भी कर दिया गया है। अब जांच पड़ताल के बाद दोबारा नए सिरे से जो है काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अब दाखिला ले चुके अभ्यर्थियों को जो है फिज़िकल रिपोर्टिंग भी स्थगित कर दिया गया है। तो एकेटीयू के जो प्रवक्ता हैं आशीष मिश्रा ने बताया है कि एनटीए जो है एक मेरिट लिस्ट में जो है आपका मेरिट लिस्ट के में देखा गया है कि एक रैंक पर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का नाम है। इसी तरह और भी कई दिक्कतें जो है दिखी हैं। इस वजह से जो है तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया जो है रोक दी गई है। तो एनटीए जो है सही से कार्य नहीं कर रही। कहीं ना कहीं उसका कार्य गलत है, काम करने का तरीका गलत है। एक रैंक पे चार लोगों को बुलाया जा रहा है। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ। आपका एग्ज़ाम जो था BSCET का सुबह था और रात 11 बजे जो है आपका प्रवेश पत्र जारी हुआ और 6:30 बजे रिपोर्टिंग था। तो कहीं ना कहीं जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो कार्य है वो सही नहीं दिख रहा है। अब एक रैंक पे जो है चार लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी काम में जो है खामी देखने के लिए ही मिल रहा है। तो इस वजह से जो है अभी काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है और जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है सही से कार्य नहीं कर रही है। BHU में भी जो है सिर्फ एग्ज़ाम को लेके ही गड़बड़ी नहीं देखी गई है। सिलेबस और पैटर्न को भी चेंज किया गया है बिना इन्फॉर्मेशन के। तो ये है आपके लेटेस्ट न्यूज़। और NTA को जो है सब लोग बाइकॉट कर रहे हैं। और जो है आप लोग भी बताएं क्या है, मतलब आपकी प्रतिक्रिया है इस न्यूज़ को देखने के बाद। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।